64 से छोटा है ना, अब आपने बड़ी वैल्यू देखनी है 64 से छोटी। ओके, चार दिया, चार की जगह चार आएगा, पांच की जगह पांच आएगा, छह की जगह छह आएगा। ओके, अब देखो 64 से छोटा है तीन, 64 से छोटा है तीन, 64 से छोटा है तीन। नमस्कार दोस्तों, कैसा हो सभी, आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं बिना गुना किए, बिना भाग किए, बस एक ट्रिक की हेल्प से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ ऑल फाइव डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर्स, कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन संख्या है बट उनमें पांच डिजिट यानी पांच अंक दिए गए हैं। ओके, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ट्रिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ ऑल फाइव डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर्स, कि ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर्स जिनमें पांच डिजिट दी है और उनका हमें क्यूब रूट निकालना है, उनका घनमूल निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 25 ऐसे परफेक्ट क्यूब है जिनमें पांच डिजिट दी गई है। इनके अलावा कोई दूसरी या कोई और पांच डिजिट वाली परफेक्ट क्यूब नंबर्स नहीं है। ओके, तो हम इन्हीं 25 परफेक्ट पांच डिजिट वाले क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सीखने वाले हैं बिना गुना किए, बिना भाग किए। ओके, तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा इसी ट्रिक के ऊपर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो जो यूनिट डिजिट है वो सिंपल है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक की जगह एक ही आएगा, दो की जगह आठ आएगा, तीन की जगह सात आएगा, चार की जगह चार ही आएगा, पांच की जगह पांच आएगा, छह की जगह छह आएगा, सात की जगह तीन आएगा, आठ की जगह दो आएगा, नौ की जगह नौ ही आएगा। सिंपल, तो यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है किस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसमें कि जो फर्स्ट टू डिजिट है, पहले वाली वीडियो में तो हमने सिर्फ फर्स्ट जो पहली डिजिट थी, जो एक डिजिट थी उसकी ही बात की। अब इसमें दो डिजिट क्यों, क्योंकि ये हमारी पांच डिजिट वाली परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इन सभी पांच डिजिट वाली जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसमें जो आगे वाले दो नंबर है, जो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, आगे वाले दो नंबर है, सिर्फ वो ध्यान में रखने कि वो नंबर कहां पर आ रहे हैं। ओके, तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके आगे वाले दो नंबर 10 से लेके 26 तक है, ठीक है, 10 से लेके 26 तक है, तो उनकी जगह पे आपने दो लिखना है। क्या लिखना है? दो लिखना है, और यूनिट डिजिट से एक नंबर तो हमारे पास आ ही जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो क्यूब रूट है वो इसी तरह से बनेगा। ओके, इसके बाद अगर आपका नंबर 27 और 63 तक है, ओके, 27 से लेके 63 तक, यानी 27 से लेके 63 तक है, तो आपने तीन लिखना है उनकी जगह। क्या लिखना है? तीन लिखना है, और जो आपका यूनिट डिजिट है वहां से तो एक नंबर आ ही जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर आपका नंबर 64 से लेके 124 तक है, तो उसकी जगह आपने चार लिखना है। क्या लिखना है? चार लिखना है। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 97, हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो मैक्सिमम है 97। तो पहले जो आगे वाले नंबर थे ना, वही देख लेते कि 64 से लेके 124 के बीच में कितनी संख्या है जहां पे हमें चार लेना है। ओके, एक दो तीन चार पांच छह, सिर्फ छह संख्या ऐसी है जहां पे हम चार लेंगे। क्या लेंगे? चार लेंगे। अब बात करते हैं कितनी संख्याओं में हम लोग तीन लिखेंगे। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस संख्याओं में हम लोग तीन लिखेंगे। और अब कितनी संख्याओं में दो लिखना है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ संख्याओं में हम लोग दो लिखेंगे। ओके, तो इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात करते हैं। आखिरी नंबर है आठ, आठ की जगह कितना आएगा? दो। आगे वाले दो नंबर देखो, दस, दस कहां पे आ रहा है? दस और छब्बीस से लेके कोई भी अंक होगा वहां पे कितना लिखना है? दो। ओके, बस ये चीज ध्यान में रखना कि आपका जो अंक है वो 27 से छोटा होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए या 10 होना चाहिए, तो आप वहां पे दो लिखोगे। ओके, अगला नंबर देखो सात, सात की जगह तीन। आगे वाले अंक देखो 12, 27 से छोटा है, दो लिख दो।
अगला अंक देखो चार, चार की जगह चार ही आएगा। आगे वाला कितना है? तेरह, 27 से छोटा है, दो लिख दो। आगे वाला अंक देखो पांच, ये सिंपल है, पांच की जगह पांच ही आता है, चार की जगह चार आता है, छह की जगह छह आता है। आगे वाला अंक पंद्रह, 27 से छोटा है, दो लिख दो। आगे वाला अंक देखो छह, छह की जगह छह ही आएगा। आगे वाला अंक कितना है? सत्रह, 27 से छोटा है, दो लिख दो। आगे वाला अंक देखो कितना है? तीन, तीन की जगह क्या आएगा? सात। आगे वाला अंक देखो 19 है, 27 से छोटा है, दो लिख दो। अगली संख्या देखो दो है, दो की जगह आठ आएगा। आगे वाला अंक देखो 21, 27 से छोटा है, दो आएगा। आगे वाली संख्या देखो नौ दिया है, नौ की जगह नौ ही आएगा, ठीक है। आगे दिया 24, 27 से छोटा है, दो लिख दो। आगे देखो जीरो दिया, जीरो ही आएगा। अब कितना दिया है? 27, 27 की जगह क्या लेना है? तीन। कितना लेना है? तीन। उसके बाद एक दिया है, एक की जगह एक ही आएगा। आगे देखो 27 से बड़ा है, बट कहां लाई कर रहा है? 27 से लेके 63 तक, तो 27 से लेके 63 तक जो भी नंबर आएगा वहां तीन लिख देना। आठ दिया है, आठ की जगह दो आएगा, 32 है, तीन। सात दिया है, सात की जगह तीन आएगा, 35 है, तीन। 64 से छोटा है ना, अब आपने बड़ी वैल्यू देखनी है, 64 से छोटी, ओके। चार दिया है, चार की जगह चार आएगा, पांच की जगह पांच आएगा, छह की जगह छह आएगा, ओके। अब देखो 64 से छोटा है तीन, 64 से छोटा है तीन, 64 से छोटा है तीन, ओके। 64 से छोटा था इसलिए हमने तीन 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 लिख दिया, तीन की जगह आएगा सात, 64 से छोटा है तीन आएगा। दो की जगह आठ आता है, 64 से छोटा है तीन। नौ की जगह नौ ही आएगा, 64 से छोटा है तीन। जीरो की जगह जीरो, 64 ही दिया है चार। एक की जगह एक, 64 से बड़ा है पर 125 से छोटा है चार। आठ, आठ की जगह दो आएगा, 74, 64 से बड़ा है ठीक है बट 125 से छोटा है, चार ही आएगा। सात की जगह तीन आएगा, 79, 64 से बड़ा है चार, चार की जगह चार ही आएगा। 85, 64 से बड़ा है चार। पांच की जगह पांच ही आएगा, 64 से बड़ा है, 125 से छोटा है चार, ओके। इसमें एक नंबर और है यहाँ पे 97,336, तो इसका जब हमने क्यूब रूट निकाला तो वो हमारे पास है 46, ओके। तो ये नंबर भी इसमें ऐड होगा, ओके। तो आप देख लो कितनी सी मेहनत लगी हमारी, हमने कोई भाग नहीं किया, कोई गुणा नहीं किया, सिर्फ जो ट्रिक है उसका यूज किया। जो हमारे आगे वाले अंक थे, आगे वाले जो दो अंक थे उनके बारे में समझा कि वो अंक कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, तो हमने कौन सा नंबर लेना है, यूनिट डिजिट का हमें पता है किस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। बस इन दो टेबल्स का यूज करके हमने जो सारी वैल्यूज है उनका क्यूब रूट निकाला, ओके। तो पांच डिजिट वाली हमारे पास जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स है वो है, तो टोटल हमारे पास हो गए 25 पांच डिजिट वाले परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ओके। मैंने आपको 24 बताए थे, ये वाला लिस्ट में छूट गया था, ओके। तो टोटल है 25 पांच डिजिट वाले परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ओके। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने सीखा किस तरह से हम लोग जो पांच डिजिट वाले परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं उनका क्यूब रूट हम किस तरह से निकाल सकते हैं बिना कोई भाग या गुणा किए। तो ये ट्रिक अगर आपको यूजफुल लगी, इंटरेस्टिंग लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मोहित सर को सपोर्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ।